स्टूडेंट्स दिस इज़ डॉक्टर नासिर एंड टुडे इस टॉपिक इज़ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो लेट स्टार्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम रिक्वायर न्यूट्रिय एंड वाट आर न्यूट्रिय सो न्यूट्रिय मटीरियल आर यूज इंड बांथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन तो माइक्रो ऑर्गेनिजम के लिए अपने लाइफ प्रोसेसिस को जारी रखने के लिए न्यूट्रंट्स चाहिए और न्यूट्रेंट्स किसे कहते हैं तो ऐसे मटेरियल्स हैं जो माइक्रो माइक्रोर्गेनिज़म को बायोसिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन में चाहिए ठीक है जी तो बायोसिंथेसिस यानी बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए उन्हें न्यूट्रेंट्स चाहिए एनालिसिस ऑफ माइक्रोबियल सेल कंपोजिशन शोज दैट मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ सेल ड्राई वेट इज मेड फ्यू मेजर एलिमेंट्स यानी माइक्रोबियल सेल की कंपोजिशन का अगर उसकी एनालिसिस की जाए तो रिसर्च कहती है कि मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट सेल ड्राइवेट जो है वो छंद एलिमेंट से बना है चंद अनासर से बना है और उन चंद मेजर एलिमेंट्स को हम मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फ़र फास्फोरस पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन इनको हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं इस बिना पे कहते हैं कि ये बड़ी तादाद में चाहिए ये कसरत में चाहिए लार्ज अमाउंट में चाहिए ठीक है जी दे आर रिक्वायर्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज अमाउंट्स जैसे मैंने बताया आपको द फर्स्ट सिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स आप इन मैक्रो एलिमेंट्स को एक फार्मूले से भी याद कर सकते हैं जैसे मैंने इधर तरतीब में लिखा है स्पॉन्च एस पी ओ एन सी एच यानी सल्फर फास्फोरस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं ठीक है जी द रिमेनिंग फोर यानी इन मैक्रो एलिमेंट्स में जो बाकी चार रहते हैं सेक्स ये हो गई और अभी ये चार जो है पोटाशियम कैलशियम मैगनीशियम और आयरन दे एग्जिस्ट इन दिल एज केटाइंस और केटाइंस किसे कहते हैं दे आर पॉजिटिव आयंस एन आयस हम नेगेटिव आयंस को कहते हैं और केटाइंस हम पॉजिटिव आयंस के को कहते हैं एंड दे प्ले आयर वेराइटी ऑफ रोल्स एज यानी वो मुख्तफ रोल प्ले करते हैं माइक्रोगेनिज़म की बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैंने दो तीन के नाम मैंशन किए हैं पोटाशियम इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी बाई अ नंबर ऑफ एंजाम्स समवाल्व इन सेंथिस यानी पोटाशियम ऐसा कैटाइन है और ऐसा मैक्रो एलिमेंट है जो इन्जाम्स के लिए के, के लिए चाहिए इस्पेशली दोज इन्जैम्स जो प्रोटीन सेथिस में हिस्सा लेते हैं इसी तरह कैल्शियम तो कैल्शियम कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट्स टू द हीट रेजिटेंस ऑफ बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स यानी ये जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स हैं वो हीट रेजिस्टेंस जो देते हैं वो हीट को रजिस्ट करते हैं तो इस इसमें कौन से कैटाइंस का रोल है तो उनमें कैल्शियम का रोल है इस तरह मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम सॉर को फैक्टर फॉर मनी एंजाइम्स कम्पलेक्स विद एटीपी एंड स्टेबलाइजेस राइबोसोम्स एंड सेल राइबोसोम इस तरह मैग्नीशियम ये सेवरल एंजाइम्स के लिए बतौर को फैक्टर काम करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है और ए टी पी के साथ कंप्लेक्सेज बनाता है इसी तरह वो राइबोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन के को स्टेबलाइज करता है इस तरह आयरन जो है आ, उसकी दो आ, दो किस्म का आयरन यानी फेरस आयन और फेरिक आयन तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइटोक्रोम्स एंड कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरिंग प्रोटीन्स यानी ये भी बतौर कोफैक्टर काम करता है बतौर साइटोक्रोम्स का कर, काम करता है और इलेक्ट्रॉन कैरिंग प्रोटीन्स के तौर पे उनकी इस काम में मदद देता है इस तरह आल ऑर्गेनिज़म्स इनकलूडिंग माइक्रोर्गेनिज़म रिक्वायर से माइक्रो न्यूट्रंट्स आर ट्रेस एलिमेंट्स नीडेड इन स्माल अमाउंट्स अभी न्यूट्रंट्स की दो टाइप्स हैं माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रंट उनको तो हमने पढ़ा अभी है माइक्रो न्यूट्रंट नाम से भी पता चलता है जिस तरह हम माइक्रो बायोलोजी में माइक्रो का नाम लेते हैं इसी तरह माइक्रो न्यूट्रंट्स यानि वो न्यूट्रंट्स जो हमें मामूली सी हमें नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मामूली से अमाउंट में चाहिए इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं ख्वा वो न्यूट्रेंट्स किसी दूसरे ऑर्गेनिजम को चाहिए या या बैक्टीरिया को या या कोई और माइक्रो माइक्रोआर्गैनिज़म हो लेकिन अगर उसकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट वो लेस अमाउंट में चाहिए तो हम इसको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं या मा, या माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं तो दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स मैंगनीज़ जिंक कोबार्ट, मोलेबडिनम निकल एंड कॉपर ये अक्सर सेल्स को ट्रेस से माउंट में चाहिए और उनको हम माइक्रो न्यूट्रंस भी कहते हैं लेकिन इन नेचर माइक्रो न्यूट्रेंट्स आर एबेंडेंट प्रॉबली डू नॉट यूजली लिमिट ग्रोथ लेकिन आपने ये बात नोट करनी है कि माइक्रो न्यूट्रंट्स यूजली एबेंडेंट होती है ये ज़्यादा होती है और ये माइक्रोबियल ग्रोथ को लिमिट नहीं कर सकती क्योंकि ये इसका इसकी वाफर मकदार इन्वामेंट में मौजूद है ऑफ एंजाइम्स एंड कोफेक्टर्स एंड दे इन द ऑफ रिएक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दरअसल ये एंजाइम्स और कोफेक्टर्स की पार्ट्स होती है और वो किस चीज़ में हेल्प देते हैं कैटालस ऑफ रिएक्शन यानी एक एंजाम को स्पीड अप करने के लिए एक एंजाम को एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए और प्रोटीन स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में यह काम करते हैं मिसाल के तौर तो पर मोलेपटिनम इज़ रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें दो बैक्टीरिया इन्वाल्व होती हैं। आपने याद भी रखनी है कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं इज अ कंपोनेंट ऑफ वाइटामिन बी12 यानी मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है तो कोबाल्ट ये भी ट्रेस एलिमेंट है या माइक्रो एलिमेंट है वे विटामिन बी ट्व का कंपोनेंट है एक बात जो मैंने इधर नोट के तौर पे लिखी है आपने जहन नशीन करनी है कि माइक्रो माइक्रोर्गैनिज्म रिक्वायर अ बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिय एफ एन न्यूट्रिएंट इज इन शॉर्ट सप्लाई माइक्रोबियल ग्रोथ विल बी लिमिटेड रिगार्डलेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सिंपल बात यह है जिस तरह हम इंसानों को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है हर चीज़ का एक बैलेंस डाइट हर चीज़ का एक बैलेंस्ड अमाउंट चाहिए खाओ कार्बोहाइड्रेट्स हो खाओ लिपिड्स हो खाओ वाइटमिन्स हो खाओ प्रोटीन्स हो हमें एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए तब हमारी सेहत अच्छी बन सकती है इसी तरह माइक्रोर्गैनिज़म को भी एक बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए यानी माइक्रो ज़्यादा तादाद में चाहिए तो ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो को आप इग्नोर नहीं कर सकती दोनों का एक बैलेंस्ड मिक्सचर चाहिए तब माइक्रोबियल ग्रोथ वो इन्हांस होगा वो बिल्कुल बेस्ट होगा ठीक है जी अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोआर्गेनिज़म्स तो मुख्तलिफ़ बेसिस पे हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ माइक्रोआर्गैनिज़म्स ऑन बेसिस ऑफ कार्बन सोर्सेज कार्बन सोर्स की बुनियाद पे माइक्रोआर्गेज़म की टाइप्स तो सबसे पहले हैं ऑटोट्रॉफ्स ट्राप्स तो हमने वैसे भी पढ़ा आपने भी पढ़ा होगा एंटर लेवल पे मैट्रिक लेवल पे कि ट्राप्स ऑटो आटौ मीन सेल्फ एंड ट्रॉप मीन नरिशमेंट तो लेकिन इधर माइक्रोआर्गेज़म की माइक्रोबायोलॉजी में हम इस तरह पढ़ते हैं कि आटो वो हैं दो जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोल सोर्स ऑफ कार्बन के तौर पर यूज़ करते हैं सो वी कैन डिफाइन दैट ऑटोट्रॉप्स दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज दियर सोल आर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कार्बन यानी वो माइक्रोआर्गेनिज़म्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को तन्हा कार्बन डाइऑक्साइड को ही वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कार्बन के तौर पर यूज करते हैं यानी वो माइक्रोआेनिज़म्स जिनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन का सोर्स हो तो उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं मैनी माइक्रोर्गैनिजम्स आर ऑटोट्राफिक एंड मोस्ट ऑफ दिस कैरी आउट यूज लाइट एज देयर एनर्जी सोर्स ब्रिकेट में मैंने मेंशन किया फोटो आटोट्राफ्स यानी वो ऑटोट्रॉप्स जो लाइट को बतौर एनर्जी सोर्स लेते हैं तो हम ऐसे ऑटोट्रॉप्स को फोटो आटोट्राप्स बोलते हैं अभी पढ़ते हेटरोट्रॉप्स तो वाटर हेटरोट्रॉप्स हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स डेट यूज हेटरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम दैट यूज रिड्यूस्ड प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मालिक्यूल इज कार्बन सोर्सेज हेटरोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिजम्स है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो पहले से बने हुए ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स को कार एज अ कार्बन सोर्स यूज करते हैं दीज प्री फॉर्म मालिक्यूल नॉर्मली कम फ्राम अदर ऑर्गेनिज और ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल कहाँ से आएंगे ये अदर ऑर्गेनिजम से आएंगे दीगर ऑर्गेनिजम से एक्सपेरमेंट दैट दियर इज नो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक मालिक्यूल दैट कैन नाट बी यूज बाई समिज्म एक्स्ट्राडिनरी फ्लैक्सिबिलिटी इन केस ऑफ कार्बन सोर्सेज यानि बैक्टीरिया इस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है माइक्रोर्गेनिजम इस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि वो अ लार्ज वैरायटी ऑफ आर्गेनिक मालिक्यूल्स को वो बतौर कार्बन सोर्स यूज़ कर सकता है इस लिहाज से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल है अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोर्गेनिजमस ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स अभी एनर्जी सोर्स की बुनियाद पर एनर्जी सोर्स की बुनियाद पर माइक्रोआर्गेनिज़म के टाइप्स तो देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म सबसे पहले लाइट एनर्जी दूसरा एनर्जी डराइव फ्राम ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मालिक्यूल्स यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। सबसे पहले लाइट एनर्जी दूसरी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स ये दो सोर्सेज है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम के लिए तो इस बेस पे फिर दो टाइप्स है माइक्रोर्गेनिजम की सबसे पहले फोटोट्रॉप्स फोटोट्रॉप्स कौन से हैं विच यूज़ लाइट एज एनर्जी सोर्स यानी वो माइक्रोर्गेनिज़म जो लाइट को बतौर एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं कीमोट्रॉप्स, दे यूज केमिकल कंपाउंड्स एज एनर्जी सोर्स ये वो माइक्रोर्गेनिज़म है जो केमिकल कंपाउंड्स को बतौर एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स माइक्रोर्गेनिज़म की दो टाइप्स हो गई फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स अभी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोआर्गेनिज़म्स ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स तो इलेक्ट्रॉन सोर्स की बुनियाद पे माइक्रोआर्गेनिज़म की टाइप्स क्या है यानी कौन से माइक्रोआर्गेनिज़म के लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन सा है तो इस बेस पे भी दो टाइप्स हैं सबसे पहले है लिथोट्रॉप्स लिथोट्रॉप्स इस लफ्स की अपनी मानी है लीथोमिन रॉक्स और ट्रॉपमीन नरिशमेंट तो ईटर्स यानी लीतोट्राप्स यूज रिड्यूस्ड रेड्यूस्ड सब्सटेंसेस एज दियर सोर्स लीटोट्राप्स वो माइक्रोर्गेनिजम्स हैं जो रिड्यूस्ड रड्यूस्ड सब्सटेंसेस को बतौर इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स इस नाम से भी ज़ाहिर है आर्गेनो यानी वो माइक्रोर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बतौर इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं अर्गेनोट्रॉप्स अर्गेनोट्रॉप्स एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फार्म अर्गेनिक आर्गेनिक कंपाउंड्स और लिथोट्रॉप्स वो इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या, से सिंपल है अर्गेनोट्रॉप को याद रखिए तो लिथोट्रॉप्स तो उसका उलट है यानी वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन लेते हैं इस टेबल में जो मैंने प्रेसकार्ड से लिया है इस टेबल में आपको बतौर समरी ये सारे टाइप्स ये सिक्स टाइप्स जो हो गए कार्बन सोर्स की बुनियाद पे दो टाइप्स आटोट्राप्स हेट्रोट्राप्स एनर्जी सोर्स की बुनियाद पे दो टाइप्स फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स इलेक्ट्रॉन सोर्स की बुनियाद पे दो टाइप्स लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स फिर उनका कार्बन सोर्स क्या है तो सामने लिखा है फिर उनका इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है बिल्कुल सामने लिखा है ठीक है तो ये टेबल आपको एक इन टाइप्स की एक समरी दे रही है आप बासानी इसको समझ सकते हैं अभी मज़ी यानि इन ही टाइप्स की बुनियाद पर मुख्तफ टर्मिनोज टर्मिनोलॉजीज़ को इकट्ठा करके मुख्तफ टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आती हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटो लीटो ट्रापिक इनको हम दूसरा नाम देते हैं फोटो आटो शॉर्टली या फोटो लीटो आटो आपने इन इन नामों में कन्फ्यूज़ नहीं होना बल्कि ये सारे एक ही चीज़ हैं तो हम अभी इसको डिफ़ाइन करते हैं कि फोटो लीटोट्रापिक आटोड्राप्स या सिंपल फोटो ये कौन से हैं तो फोटो यानी वो लाइट एनर्जी को एनर्जी एज एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को बतौर कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं और एनऑर्गेनिक हाइड्रोजन को एज इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करते हैं तो ऐसे माइक्रोर्गेनिज़म को हम बोलते हैं फोटो भी है हेटरोट्रॉप्स या कीमो या तीसरा नाम कीमो या हेटरोट्रॉप्स सिंपली हम इनको हैड्रोट्रॉप बोल सकते हैं या कीमो तो दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी आप इधर देख रहे हैं ना आर्गेनो तो इस वजह से ये आर्गेनिक कंपाउंड्स को बतौरे एनर्जी सोर्स ले रहे हैं हाइड्रोजन बतौरे इलेक्ट्रॉन सोर्स ले रहे हैं और कार्बन वो बतौरे कार्बन सोर्स ले रहे हैं ठीक है जी आर्गेनिक कंपाउंड्स को बतौरे कार्बन सोर्स ले रहे हैं इसी तरह तो ये दे एक्सडाइज रिड्यूस्ड एन कंपाउंड्स आप इस टर्मिनोलॉजी में देख रहे हैं ली तो ट्रॉप तो तो आ गया तो इसका मतलब है कि एनआरगेनिक कंपाउंड्स को वो ऑक्सीडाइज करेंगे एनआरगेनिक कंपाउंड्स को वो बतौर सोर्स यूज करेंगे सच इज़ आयरन नाइट्रोजन और सल्फर मॉलिक्यूल्स टू डिराइव बोथ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर बायोसिंथेसिस तो एनआरगेनिक कंपाउंड्स को वो बतौर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करेंगे ठीक है जी आपने इस स्लाइड को ग़ौर से पढ़ना है और कंसेप्चुअली इसको समझना है ठीक है जी और इनका ये जो मैंने अभी जो टाइप्स बताई कि मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज को उनको उन्होंने कंबाइन किया है फॉर एग्जांपल फोटोलीटोट्रापिक ऑटोट्रॉपी यानी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा या फोटो आर्गेनोट्रापिक या कीमोलिटोट्रापिक आटोट्रापी या कीमोआरगेनोट्रापिक हैट्रोट्रापी तो उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सोर्स ऑफ कार्बन और इसी तरह उनके रिप, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से हैं तो इस टेबल में मैंने में मेंशन किया है ठीक है जी इधर से आप बतौर समरी इसको याद कर सकते हैं अभी है सम शो ग्रेट मेटाबॉलिक फ्लैक्सीबिलिटी एन अल्टर दियर मेटाबॉलिक पैटर्न इन रिस्पांस टू इन्वायमेंटल चेंजेस यानी जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है काफ़ी फ्लैक्सीबल हैं कार्बन सोर्स की बेस पे वो भी काफ़ी फ्लैक्सिबिलिटी शो करती हैं यानी एक ख़ास कार्बन सोर्स को आ, के लिए अपने आप को महदूद नहीं करते इसी तरह इनमें मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं तो ये माइक्रोर्गैनिज़म ये बैक्टीरिया अपने आप को एडॉप्ट करते हैं उसी के मुताबिक अपने आप को चेंज करते रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मनी पल पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया एक्टिज फोटो आर्गेनोट्राफिक हैट्रोट्राफ्स एंड द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन but ऑक्सीडाइज organic molecules and function chemotrophically at normal oxygen level यानि yani oxygen का level for example कम है ऑक्सीजन सिर्स है नहीं तो ये पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया बतौर फोटो आर्गेनोट्राफिक हेट्रोट्राफ्स काम करते हैं लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो जाता है तो दे ऑक्सडाइज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स वो बतौर वो बतौर ऑर्गेनोट्राफ वो काम करते हैं फिर तो इससे अंदाज़ा होता है कि बैक्टीरिया जो है इनमें मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है एंड दीज माइक्रोब्स आर टाइम्स कॉल्ड मेक्सोट्रोफिक ये जो अपने आप के मेटाबॉलिक अंदाज को चेंज करने वा, करने वाले माइक्रोगैनिज़म्स हैं इनको हम बोलते हैं मेक्सोट्रोफिक मेक्सोट्रोफिक क्यों बोलते हैं बिकॉज दे कम्बाइन कीमो लीतो ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्राफिक मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी वो एक किस्म के मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट करते हैं दूसरे किस्म के मेटाबॉलिज्म में एक किस्म के मेटाबॉलिज्म कीमोली तो आटोट्राफिक हो गया दूसरे किस्म के मेटाबॉलिज्म हो गया हैट्रोट्राफिक मेटाबॉलिज्म तो ये चेंज इन द वे ऑफ मेटाबॉलिज्म इसको हम बोलते हैं मैगजोट्राफिक माइक्रोगैनिज़म्स तो बाज़ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो मैगजोट्राफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं अभी आते हैं शेप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया की तरफ आल दो मेनी प्रोकोरियार एंड मार्फॉलोजी दियरेज रिमार्केबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन डू डिफ्रेंस इन जेनेटिक्स एंड अगर अगरचि अक्सर प्रोकोरियाट्स जो है वो सेमिलर वो मार्फॉलोजी में सेमिलर होते हैं एक जैसे होते हैं लेकिन चूंकि उनका जेनेटिक्स और इकोलॉजी चेंज है तो इस वजह से उनमें काफ़ी वेरिएशन भी पाई जाती है मर्फोलोजी uh, to, to यानी उनके शेप्स डिफरेंट होते हैं अभी बैक्टीरिया के जो कामन शेप्स है तो दो किस्म के हैं सबसे पहले हैं कोकाई मोस्ट कामनली इंकाउंटर्ड बैक्टीरिया है सबसे पहले कोकाई को हम पढ़ते हैं तो कोकाई ये प्लूरल है उनका सेंगुलर है कोकस विच आर रफली स्फेरिकल सेल्स स्फेरिकल यानि वो गोल अंदाज के होते हैं सर्कुलर होते हैं ठीक है जी डिप्लोकोकाई अब अभी अब हम पढ़ते हैं कोकाई की आ, सब ब्रांचेस सब टाइप्स तो सबसे पहले है डिप्लोकोकाई डेप्लोकोकाई एराइज वन कोकाई डिवाइड एंड रिमेन टुगेदर टू फॉर्म पेर यानी दो कोकाई दो सर्कुलर बैक्टीरिया अगर इकट्ठे मौजूद हो तो हम ऐसे ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं डिप्लोकोकाई ठीक है जी लॉन्ग चें आपको कहा रिजल्ट वन सेल्स एड हेयर आफ्टर रिपीटेड डिवीजन एंड वन प्लान यानी अगर बैक्टीरिया लॉन्ग चेन्स की सूरत में मौजूद है तो और अगर वो वन प्लान में उसके रिपीटेड डिवीजन हो तो ऐसे ऐसे को हम बोलते हैं स्ट्रिप्ट को कई जैसे फिगर एम है ये अरेंजमेंट आपको कह ये डायग्राम जो मैं मैंने इधर शो किया है तो सबसे टॉप पे है डिप्लोकोकाई और प्लेन अप डिवीज़न एक है एक प्लेन अप डिवीज़न है लेकिन अगर दो बैक्टीरिया है तो डिप्लोकोकाई हम इसको बोलते हैं लेकिन अगर चेन अप डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया है एक चेन बनाया हुआ है कोकाई बैक्टीरिया है लेकिन उन्होंने एक जंजीर सी बनाई हुई है तो हम ऐसे बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं जो सच पैटर्न ए सीन एन द जनरल स्ट्रप्टोकोकस एंटेरोकोकस लैक्टोकोकस सिर्फ स्ट्रप्टोकोकाई तक ये महदूद नहीं है बल्कि एंटेरकोकस और लैक्टोकोकस में ऐसा हो सकता है जिस तरह इस, इस डाइग्राम में ये ए जो है इसके सामने जो फिगर है ये स्ट्रप्टोकोकाई का मिसाल के तौर पर मैंने दिया है इसी तरह मैंबर्स ऑफ द जीनस माइक्रोकोकस अफ ऑन डिवाइड एंड टू प्लान टू फॉर्म अस्क्वेर ग्रुप ऑफ फोर सेल्स का टेट्रॉट्स अभी टेट्रॉट किसे कहते हैं इस डाइग्राम में आप बी को देखें तो ये जो माइक्रोकोकस जीनस है इनके जो मेम्बर्स है वो दो प्लान में डिवाइड होते हैं टू प्लान्स डेप्लोकोकाई और स्ट्रप्टोकोकाई का प्लान ऑफ डिवीज़न एक था लेकिन इधर प्लान ऑफ डिवीज़न दो है यानी दो एंगल से डिवाइड हो रहा है तो इससे फोर सेल्स बनते हैं जिसको हम टेट्राड के नाम से जानते हैं टेट्रॉड यानी फोर सेल्स टेट्रा वैसे भी फोर को कहते हैं इसी तरह एंड द जीनस सरसीना, एक दूसरा जीनस है कोकाया डिवाइड इन थ्री प्लान प्रोड्यूसिंग क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ एट सेल्स ये जो इस डायग्राम में सी में मेंशन में किया हुआ है कि थ्री प्लान ऑफ डिवीजन इधर होती थ्री ऑफ डिवीजन इधर मौजूद होती हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं तो और इनमें सेल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं सेल्स डिवाइड इन मल्टीपल इन फॉर्म ग्रेप लाइक क्लस्टर्स और ब्रॉड शीट्स टिफाइलोकाई अब इस्टिफाइलकोकाई कैसे किसको बोलते हैं तो अगर बैक्टीरिया मल्टीपल प्लान्स में डिवाइड हो अगर बैक्टीरिया तीन से ज़्यादा प्लान्स में डिवाइड हो तो इससे बंच लाइक स्ट्रक्चर बनता है ग्रेप लाइक like स्ट्रक्चर बनता है अंगूर जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम बोलते हैं स्टिफाइलोकोकाई और इस डायग्राम डिग्रा, में इस फिगर में आप डी में देख सकते हैं इसी तरह बैक्टीरिया का जो हमने एक पढ़ा तो वो स्फेरिकल शेप था सर्कुलर शेप था ठीक है जी कोकाई शेप अभी दूसरा हम पढ़ते हैं बेसेल्स द अदर कॉमन बैक्टीरियल शेप इज देट ऑफ अड अफन कार्ड बेसेल यानी रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसेलस बोलते हैं ए में आप देख सकते हैं इस फिगर के ए में आप देख सकते हैं डिप्लोबेलाई अपीयर एंड पेयर आफ्टर डिवीजन डिप्लोबेलाई ये डिवीज़न के बाद पेयर बनाते हैं जिस तरह इधर बी में, में मेंशन किया हुआ है कि दो बेसेलाई इकट्ठे हम इसको डेप्लोबेलाई बोलते हैं स्ट्रिप टू अकर इन ये देखें रॉड शेप बैक्टीरिया है लेकिन एक जंजीर सा बनाया है एक चेन सा बनाया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप और बेसेलाई आफ्टर कंसिडरेबली एंड देयर लेंथ टू वेशो द कोको बेसलाई सो शॉर्ट एंड वाइड देट दे रिजेंबल कोकाई कोको किसे बोलते हैं कि जिनका लेंथ और वेट का रेशो यानी जिनका लेंथ और वेट तकरीबन बराबर हो यानी वो बिल्कुल रॉड शेप नहीं होते सर कुछ सर्कुलर होते हैं कुछ रॉड शेप होते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं कोको बेसलाई यानी वो सर्कुलर उनमें सर्कुलर वाला अंदाज भी मौजूद है लेकिन वो रॉड शेप भी रॉड शेप की तरफ भी थोड़े से माइल है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकोबेसलाई अ फ्यू रॉड शेप बैक्टीरिया द आर टू फॉर्म डिस्टिंक्टिव कॉमास आर इनकम्प्लीट स्पाइरल्स सिंपली याद रखिए कि जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं यानी रॉड राेपड हैं लेकिन वो कॉमा शेप की तरफ माइल है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं वेबरीओ बैक्टीरिया आर कॉमाप जिस तरह इधर मैंने मेंशन किया है कि बैक्टीरिया दैट लुक लाइक खोर ये खोरोड्राड होते हैं कामे की तरफ होते हैं. कामे की, हैं कामे की तरह जिस तरह हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा तो कामा बैक्टीरिया को हम बोलते हैं वेबरियोस इसी तरह अदर्सम शेप लाइक अ कार्क्री रिजेड बॉडीज वो बैक्टीरिया जो हैल शेप होते हैं जिस तरह बी में इधर मेंशन किया हुआ है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्पेरेलम बोलते हैं और तीसरा टाइप वो स्पायरू चीट्स हैं तो उनका डिफिनीशन क्या है याट एन अदर ग्रुप ऑफ स्पायरल्स आर हेलिकल एंड फ्लैक्सीबल दे आर कार्ड स्पायरू चीट्स तो स्पेरेलम और स्पायर चीट्स में फ़र्क सिर्फ ये है कि दोनों हेलिकल शेप हैं लेकिन स्पेरेलम जो है वो फेयरली रिजिड बॉडीज़ है वो सख्त है उनकी रिजिडिटी ज़्यादा है और स्पायरू चीट्स ये हेलिकल है लेकिन फ्लेक्सिबल है यानी जो हेलिकल शेप हो लेकिन रिजिड हो तो हम इसको स्पेरेलम बोलते हैं जिस तरह बी में मेंशन किया है और जो हेलिकल हो लेकिन वो फ्लेक्सिबल हो तो हम ऐसे बैक्टीरिया को स्पायरू चीट्स बोलते हैं एक्टिनोमाइसीड्स करेक्टरिस्टिकली फॉर्म लॉन्ग मल्टी न्यूक्लियट और हाईपी दैट में ब्रांच टू कॉल्ड माइसीलियम यानी माइसिलियम तो ऐसे फंगस के लिहाज से मशहूर है फंजाई में लेकिन ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद है जिसको हम एक्टिनोमाइसिट्स बोलते हैं ये मल्टी न्यूक्अ फैलमेंट्स बनाते हैं या हाई पी बनाते हैं और एक नेटवर्क टाइप सा बनाते हैं जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं द शेप ऑफ बैक्टीरियम इज डिटर्मेंड बाई हेरिडिटी यानी ये जेनेटिक खूसियात की बुनियाद पर हम बैक्टीरिया का शेप वो डिटरमाइन कर सकते हैं यानी उनके हेरिडी की बुनियाद पे उनको उनके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं जेनेटिकली मोस्ट बैक्टीरिया आर मानोमारफिक मानो मीनस वन मॉर्फिक मीन् शेप यानी बैक्टीरिया यूजुअली एक किस्म का शक्ल रखते हैं एक किस्म का शेप रखते हैं दैट इज़ दे मेंटेन अ सिंगल शेप ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मानोमारफिक जो एक ही शेप रखते हैं और बाज़ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिनकी शेप्स में वेरिएशन आता है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्लियोमार्फिक सम बैक्टीरिया वेरिएबल इन शेप एंड लैक अ सिंगल करेक्टरिस्टिक फॉर्म दे सच बैक्टीरिया प्लियोमार्फिक दैट्स द ऑफ दिस लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर